नमस्कार, एमपी तक पे आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ इजहार हसन खान। कई कांग्रेसी विधायकों का अपने संपर्क में होने का दावा करने वाले मध्य प्रदेश के नगरीय विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह इन दोनों एक वीडियो को लेकर चर्चाओं में हैं। भूपेंद्र सिंह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो अपने लिए एक कुर्सी तलाशते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो को लेकर सोशल मीडिया यूजर तरह तरह के कमेंट्स कर रहे हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि इनके संपर्क में कांग्रेसी विधायक तो हैं, लेकिन ये अपने लिए एक कुर्सी नहीं तलाश पा रहे हैं। वीडियो शुक्रवार का है, जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भोपाल के दौरे पर थे। इस दौरान अमित शाह भोपाल के जमहूरी मैदान स्थित कार्यक्रम में पहुंचे थे। अमित शाह कार्यक्रम स्थल पर पहुंच गए, उसके बावजूद भी अमित शाह से बेखबर भूपेंद्र सिंह अपने लिए कुर्सी तलाशते हुए दिखाई दिए। सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इसको लेकर तरह तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। वजह जो भी हो, लेकिन यह सच है कि पिछले कई दिनों से महत्वपूर्ण कार्यक्रमों से इनका नाम गायब हो रहा है। हद तो यह है कि फरवरी में इंदौर में इनके खुद के विभाग के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शिला पट्टिका में इनका नाम तक नहीं दिखाई दिया, तो वहीं इनके प्रभार के जिले में आयोजित कार्यक्रम से भी इनका नाम गायब था। आपको बताते हैं कि कब कब क्या हुआ। 19 फरवरी को इंदौर में गोवर्धन प्लांट का लोकार्पण कार्यक्रम किया गया। इस दौरान पीएम मोदी ने वर्चुअली गोवर्धन प्लांट का लोकार्पण किया। कार्यक्रम के फ्लैग्स में, इन्विटेशन में और शिला पट्टिका में ओपीएस भदौरिया का नाम था, लेकिन इसमें से भूपेंद्र सिंह का नाम गायब था। वहीं भोपाल के अंदर भी एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। विधायक कृष्णा गौर, जो कि गोविंदपुरा के विधायक हैं, उनके विधानसभा क्षेत्र में एक महाविद्यालय का कार्यक्रम था, उसके आमंत्रण में भी जो प्रभारी मंत्री हैं भोपाल के भूपेंद्र सिंह, उनका नाम गायब था। वहीं इस मामले में नरेंद्र सलूजा, जो लगातार बीजेपी के, एक तरीके से कहा जाए कि बीजेपी के पीछे पड़े हुए, बीजेपी जरा सी गलती करती है उसके नेता, उसके मंत्री, चाहे सीएम, तो वो जरा में उन पर ट्विटर वार करते हैं, वो इस मौके को कहां बना छोड़ सकते थे। उन्होंने ट्वीट करा, ट्वीट में लिखा कि मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री आखिर कहां गुमशुदा हैं। इंदौर में मोदी जी ने बायो सीएनजी प्लांट का लोकार्पण किया, कार्ड तक से वो गायब, जबकि उनके विभाग का कार्यक्रम था। भोपाल में कल उनके विभाग का बड़ा कार्यक्रम, वो प्रभारी मंत्री भी, लेकिन वहां भी गायब। मामला गड़बड़ है।